नंबर 10, होटल आर्टेमिस एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2028 में लॉस एंजलिस में सेट है। ये कहानी एक छोटे से हाई सिक्योरिटी होटल के आसपास घूमती है जिसे होटल आर्टेमिस कहा जाता है। होटल के मैनेजर नर्स एक मिस्टीरियस और स्ट्रिक्ट महिला है जो यहाँ पर आए हुए किसी भी क्रिमिनल को इलाज देती है। कहानी शुरू होती है जब एक रात में, जिस दिन लॉस एंजलिस में बड़े बड़े दंगा होते हैं, होटल आर्टेमिस में कुछ ऐसे गेस्ट्स आते हैं जो भारी चोट से परेशान हैं। इनमें से एक है वाहिद एक लूथरे और उसके साथ उसका भाई एवरेस्ट जो एक इन्फ्लुएंशियल क्राइम लॉर्ड है। जैसे रात गुजारती है पता चलता है कि हर गेस्ट अपने लिए कुछ छुपा रहा है। नर्स अपने होटल को सेफ रखने के लिए हर मुश्किल को सामना करती है। जब एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट होटल में दखील हो जाता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है, क्या नर्स अपने गेस्ट्स को बचा पाएगी और होटल आर्टेमिस को खतरे से बचा सकती है? ये फिल्म सस्पेंस और एक्शन से भारी हुई है जिसे देखकर आपको हैरत और थ्रिल दोनों का अनुभव होगा। नंबर 9, मॉर्टल इंजन्स एक साईफाई एडवेंचर फिल्म है जो एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जहां बड़े बड़े ट्रैक्शन सिटीज हैं जो हवा में उड़ान भरते हैं और छोटी छोटी टाउन्स को शोषण करते हैं। इस दुनिया में ट्रैक्शन सिटीज दूसरे छोटे टाउन्स को शोषण करते हैं और उनका रिसोर्सेज लूटते हैं। कहानी एक छोटे टाउन सॉल्ट हुक की एक लड़की हेस्टर शॉ के साथ शुरू होती है, जिसका मकसद है अपने माता पिता का बदला लेना। उसका रास्ता लंदन, एक बड़ा ट्रैक्शन सिटी की तरफ होता है, जहां उससे एक एंटी ट्रैक्शन एक्टिविस्ट टॉम नेट्सवर्थी मिलता है। टॉम और हेस्टर का सफर लंदन तक होता है, जहां उन्हें पता चलता है कि लंदन के लीडर थैडियस वैलेंटाइन कुछ बड़ा चल रहा है जो पूरी दुनिया को बडाल सकता है। इस सफर में टॉम और हेस्टर को अपने आप में विश्वास बढ़ाना पड़ेगा और एक डेंजरस कंस्पिरेसी को रोकना पड़ेगा जो उनके दुनिया को हमेशा के लिए बडाल सकता है। मॉर्टल इंजन्स एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जो पावरफुल स्टोरी टेलिंग और थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ भरा हुआ है, जो ऑडियंस को एक नया डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाता है जहां सिटीज आपस में लड़ते हैं और सर्वाइवल के लिए जुंगमैन रहना पड़ता है। नंबर 8, ओवरलॉर्ड एक हॉरर एक्शन फिल्म है जो डी-डे से एक दिन पहले के यूरोप में सेट है। कहानी शुरू होती है जब एक ग्रुप ऑफ अमेरिकन पैराट्रूपर्स जो अपने मिशन के लिए ड्रॉप होते हैं, एक नाजी ऑक्यूपाइड विलेज के पास अटक जाते हैं। जब यह सोल्जर्स विलेज के अंदर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि नाजी साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने विलेज के लोगों को अनडेड सुपर सोल्जर्स में बदल दिया है। अब ये सोल्जर्स एक नए और सुपर नेचुरल दुश्मन से लड़ना पड़ेगा। फिल्म में एक सोल्जर, प्राइवेट बॉयज, एक लोकल विलेजर और एक फ्रेंच वुमन के साथ मिलकर बच जाता है और उनका मिशन बन जाता है कि वो नाजी एक्सपेरिमेंट्स को रोकें और दुनिया को इन सुपर नेचुरल क्रीचर्स से बचा सकें। ओवरलॉर्ड एक इंटेंस और थ्रिलिंग फिल्म है जो हॉरर एक्शन और वॉर एलिमेंट्स को मिलाकर एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस फिल्म में ऑडियंस को एक अलग दुनिया दिखाई जाती है जहां सुपरनेचुरल एलिमेंट्स वर्के ऑलरेडी टेंस एनवायरनमेंट में और भी चैलेंजिंग बना देते हैं। नंबर 7, सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी एक साईफाई एक्शन फिल्म है जो स्टार वॉर्स फिल्म सीरीज का एक प्रीक्वल है। ये फिल्म हन सोलो के अर्ली लाइफ और उसके एडवेंचर्स पर फोकस करता है, पहले से पहले उनके आइकॉनिक कैरेक्टर के बारे में बताते हुए। कहानी हन सोलो के चाइल्डहुड से शुरू होती है, जब वो एक छोटे टाउन कोरेलिया में एक स्ट्रीट थीफ है। वहां से वो अपने दोस्त चुबाका के साथ निकलता है और एक इंटरगैलेक्टिक स्मगलर बनने की कोशिश करता है। हन और चुबाका की जर्नी उन्हें एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में ले जाती है, जहां उन्हें एक क्रिमिनल सिंडिकेट के साथ डील करना पड़ता है। इस सफर में हन सोलो अपने आइकॉनिक शिप मिलेनियम फाल्कन और उसके ओनर लांडो कैलरिसियन से मिलती है। फिल्म में हन सोलो के कैरेक्टर का एवोल्यूशन और उसके फेमस ट्रेट्स जैसे कि ब्रेवरी विथ और लॉयल्टी का ओरिजिन दिखाया जाता है। सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी एक थ्रिलिंग एडवेंचर है जो स्टार वॉर्स यूनिवर्स को और भी रिच और इमर्सिव बनाता है। नंबर 6, अ रिंकल इन टाइम एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो मैडलिन लेंगल की नॉवल से इंस्पायर हुई है। ये कहानी एक यंग गर्ल मैग मरी के बारे में है जो अपने मिसिंग फादर एक साइंटिस्ट के खोज में निकल पाती है। कहानी शुरू होती है जब एक मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल बीइंग्स के ट्रियो मिसेस वॉटसेट, मिसेस हु और मिसेस विच मैग को उनके फादर के पास ले जाने का ऑफर देते हैं। मैग के साथ उसके भाई चार्ल्स वॉलेस और एक क्लासमेट कैल्विन भी इस जर्नी में शामिल होते हैं। ट्रियो के साथ मैग एक इंटर डायमेंशनल जर्नी पर निकलती है, जहां उन्हें डार्क फोर्स द इट से लड़ना पड़ता है जो डार्कनेस को स्प्रेड कर रहा है। मैग को अपने इनर स्ट्रेंथ और लव का पावर डिस्कवर करना पड़ता है अगर वो अपने फादर को बचा सके। फिल्म में मैग की जर्नी उसके सेल्फ डिस्कवरी और उसके फैमिली के प्यार और यूनिटी की एक्सप्लोरेशन के साथ जुड़ी है। अ रिंकल इन टाइम
एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जो मैजिक, एडवेंचर और सेल्फ एम्पावरमेंट को एक्सप्लोर करती है। नंबर 5, द हाउस विद अ क्लॉक इन इट्स वॉल्स, एक फैंटेसी हॉरर फिल्म है जो जॉन बेलर्स के 1973 नॉवल पर बेस्ड है। फिल्म 1955 में सेट है और एक ऑर्फेंड बॉय लुइस बार्नवेल्ट के अराउंड घूमती है, जो अपने मिस्टीरियस अंकल जॉनाथन बार्नवेल्ट के पास शिफ्ट हो जाता है। जॉनाथन एक एक्सेंट्रिक मैजिशियन है और उसकी नेबर मिसेस जिमरमैन भी एक पावरफुल विच है। लुइस को पता चलता है कि जॉनाथन के घर में एक मैजिकल क्लॉक है जो किसी बड़ी बुरी चीज़ को समन कर सकता है। एक दिन लुइस एक्सीडेंटली क्लॉक को एक्टिवेट कर देता है और एक पावरफुल ईविल फोर्स को अनलीश कर देता है जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में होता है। अब लुइस, जॉनाथन और मिसेस जिमरमैन को क्लॉक को स्टॉप करने और ईविल को डिफीट करने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। फिल्म में मैजिक, एडवेंचर और फैमिली बॉन्ड्स का स्ट्रॉन्ग थीम है। लुइस अपने न्यू फैमिली के साथ एक मैजिकल जर्नी पर निकलता है जहां वो अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करता है और ईविल को हराने के लिए ब्रेव बन जाता है। नंबर 4, द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स, एक साईफाई हॉरर फिल्म है जो क्लोवरफील्ड फिल्म सीरीज का एक पार्ट है। फिल्म 2028 में सेट है जब अर्थ के एनर्जी क्राइसिस के सॉल्यूशन के लिए एक पार्टिकल एक्सेलरेटर शेपर्ड बनाया जाता है जो स्पेस स्टेशन पर लॉन्च किया जाता है। जब शेपर्ड एक्टिवेट होता है, अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं और अर्थ और स्पेस स्टेशन के बीच एक डिमेंशनल रिफ्ट ओपन हो जाता है। इस रिफ्ट से कुछ अननोन और डेंजरस एंटिटीज अर्थ पर एंटर करते हैं। स्पेस स्टेशन के क्रू को अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से लड़ना पड़ता है और उन्हें समझना पड़ता है कि कैसे शेपर्ड को बैंड किया जा सकता है और अर्थ को सेव किया जा सकता है। फिल्म एक कॉम्बिनेशन है ऑफ साईफाई, हॉरर और मिस्ट्री एलिमेंट्स का, जो ऑडियंस को एक यूनिक और सस्पेंसफुल स्टोरी प्रोवाइड करता है। इस फिल्म में पैरेलल डायमेंशंस, अल्टरनेट रियलिटीज और सर्वाइवल के थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं जो ऑडियंस को एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस देते हैं। नंबर 3, एक्सटिंक्शन, एक साईफाई थ्रिलर फिल्म है जो एक फैमिली के अराउंड घूमती है जिसका हेड पीटर स्ट्रेंज नाइटमेयर से परेशान है, जिसमें वो अपने फैमिली को सेव करने की कोशिश करते हुए देखता है। एक दिन अर्थ पर एलियन इन्वेजन होती है जिसे पीटर के नाइटमेयर से रिलेटेड पाया जाता है। जब एलियंस शहर पर अटैक करते हैं, पीटर अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्हें सेफ प्लेस तक ले जाने की कोशिश करता है। जब वो अपने फैमिली के साथ एक सेफ बंकर में पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि एलियंस असल में ह्यूमंस हैं जो फ्यूचर से आए हैं और एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए आए हैं। पीटर अपनी फैमिली को बचाने के लिए एलियंस से लड़ना पड़ता है और अपने इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को डिस्कवर करता है। फिल्म में सस्पेंस, एक्शन और फैमिली डायनामिक्स का स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल है जो ऑडियंस को एक इंगेजिंग स्टोरी प्रोवाइड करता है। नंबर 2, द ह्यूमैनिटी ब्यूरो, एक डिस्टोपियन साईफाई थ्रिलर फिल्म है जो फ्यूचर में सेट है, जहां अर्थ की रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से जमीन फर्टिल नहीं रहती है। कहानी एक गवर्नमेंट एजेंसी, द ह्यूमैनिटी ब्यूरो के अराउंड घूमती है जो ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्स डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए सिटीजन्स को इवेल्युएट करता है। इस ब्यूरो के एक ऑफिसर नोआ क्रॉस अपने लेटेस्ट असाइनमेंट में एक सिंगल मदर और उसका बच्चा के फ्यूचर को इवेल्युएट करने के लिए भेजा जाता है। जब नोआ इन्वेस्टिगेशन में डीप जाता है, उन्हें पता चलता है कि ब्यूरो करप्ट है और इनोसेंट सिटीजन्स को अनजस्टली एक्साइल्ड कर रही है। वो अपनी कॉन्शियंस के साथ लड़कर नोआ को अपने क्लाइंट्स की मदद करनी पड़ती है और ब्यूरो के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। फिल्म में सोशल कॉमेंट्री, पॉलिटिकल इंट्रीग और एक्शन का पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो ऑडियंस को एक थॉट प्रोवोकिंग और ग्रिपिंग नैरेटिव प्रोवाइड करता है। इसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और गवर्नमेंट करप्शन जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एक्सप्लोर किया गया है। नंबर 1, बियॉन्ड स्काईलाइन एक साईफाई एक्शन फिल्म है जो 2010 की फिल्म स्काईलाइन का सीक्वल है। फिल्म एक एलियन इन्वेजन के आफ्टरमाथ पर फोकस करता है जब अर्थ के सर्वाइवर्स एक न्यू थ्रेट से लड़ना पड़ते हैं। कहानी शुरू होती है जब लॉस एंजलिस पर एलियन शिप्स का अटैक होता है और कुछ लोग उनके शिप्स में किडनैप हो जाते हैं। एक फादर मार्क अपने बेटे को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है और उन्हें सेव करने की कोशिश करता है। जब मार्क अपने बेटे को बचा लेता है, वो और दूसरे सर्वाइवर्स एक एलियन शिप मेनफान से जाते हैं। वाहन से उन्हें पता चलता है कि एलियंस ह्यूमंस को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनका एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मार्क और सर्वाइवर्स को एक एलियन अप्री सिंह से लड़ना पड़ता है, जिसमें वो अपनी क्रेज और यूनिटी को दिखाते हैं।